भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर प्रयागराज में एयर शो, भारत के शौर्य और शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन। ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, आवास के बाहर केंद्रीय बलों की भारी तैनाती, नगर पालिका भर्ती मामले की सीबीआई कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी, हलिशार नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अंशुमन रॉय के यहां भी हुई रेड, खंगाले गए दस्तावेज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, पितृपक्ष के बाद कांग्रेस जारी करेगी पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पार्टी के पदाधिकारियों ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली को कूड़े से जल्द मिलेगी निजात, बुराड़ी में 2000 मीट्रिक टन के सीएनजी प्लांट का सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन, कहा देश का है सबसे बड़ा प्लांट। योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम की पूजा अर्चना, कहा तीर्थ स्थल और आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के आधार, केदारनाथ से पहले बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे थे सीएम योगी। ग्वालियर में लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा, मेरठ में विधायक अतुल प्रधान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में गुर्जरों ने किया प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन। नालंदा में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, दो आरोपियों को पुलिस ने पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, आपत्तिजनक वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बिहार के आरा में सेल्फी लेने के चक्कर में सोन नदी में डूबी 5 लड़कियां, 3 लड़कियों के शव बरामद, नहाने के दौरान हुआ हादसा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने गए राज्य मंत्री बीएल वर्मा के समर्थकों की सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की, निकासी गेट से मंदिर में किया प्रवेश। प्रतापगढ़ में छेड़खानी से परेशान दो छात्राओं ने किया सुसाइड, 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी छात्राएं, मामले में 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बर्थडे केक को लेकर विवाद, दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, दोनों ओर से चले जमकर ईंट पत्थर, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। हरियाणा के झज्जर में निशानेबाज पलक गुलिया का गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया, एशियन गेम्स में 17 साल की लड़की ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक।